हाय फ्रेंड्स, मैंने आज कीमा की रेसिपी बनाई है। सिंपल कीमा बनाया है जो 5 से 10 मिनट में बन जाता है, ठीक है। तो जिसमें मैंने बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डाला था और बारीक कटे हुए कांदे डाले थे। मैंने 4 कांदे लिए थे। कांदे की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। कांदा डालने के बाद में मैंने उसको हल्का पिंक किया, पिंक फ्राई किया है, ज़्यादा लाल भी नहीं किया, गोल्डन नहीं किया है, जस्ट पिंक, लाइट पिंक। उसके बाद में मैंने जो कीमा था जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, वो कीमा को डाला मैंने इसमें और अच्छे से भूंजा है। जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे उतना ज़्यादा उसका कलर रेडिश गोल्डन कलर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने हल्का सा उसका कलर जैसे चेंज हुआ, मैंने उसमें अदरक का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, बस अभी इतना ही डाला है। और उसको मैंने अच्छे से फ्राई, अच्छे से मैंने भून लिया है, बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है, जिससे उसका कलर भी चेंज हो गया है। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी करके देखा है कि खाने में अभी से ही उसका टेस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो अभी मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मसाले होते हैं वो डालूँगी, वो ऐड करूँगी, और पोटैटोज जो मैंने काटा है, कट किया है, ये देखिए, बस इसको डालना है और हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, और उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हल्दी। और जैसे कि आपको पता है धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, तो 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं उसमें, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से पूरी तरीके से इसमें मिल जाना चाहिए मसाला। स्लो में रखना है गैस को, देखो मैंने स्लो फ्लेम पे रखा है, ठीक है। तो पहले इसको हम मिला देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे मसाले को इसमें अच्छे से मिला दिया है, और मसाला जले ना इसलिए हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ये सूखा कीमा है जिसको हमको रोटी के साथ खाना है, ठीक है। तो रोटी के साथ खाने के लिए जो कीमा बनता है या खिचड़ी के साथ जिसको हम खाते हैं, उसके लिए कीमे में थिकनेस होनी चाहिए, उसको पतला नहीं करना है सालन की तरह, उसको तीखा ही, उसको हमको थिक ही रखना है, ठीक है। इसमें पानी नहीं आएगा, सूखा कीमा बन रहा है हमारा। इसको इस तरीके से अच्छे से मैश करना है, पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। देखो अभी हमारा मसाला पूरा ऑयल छोड़ने तक हमें उसको ऐसे ही भूनते रहना, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑयल छूटने लगा है, जैसे इसमें ऑयल थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हमने इसको अच्छे से भून लिया, तो उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मसाले की जो स्मेल होती है वो चली जानी चाहिए और खुशबू आने लगी, जब तब हमको इसमें ऐड करना है हमारा पोटैटो, आलू जो हमने काट के रखा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू की ज़्यादा डालने से क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाएगी, तो मैंने सिर्फ 2 ही आलू लिया था, 2 आलू को छोटा कट कर लिया, ओके। और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा जो मसाला है उसने थोड़ा ऑयल भी छोड़ दिया है, तो अब ये अच्छे तरीके से कीमा जो है हमारा, जो मीट है, वो अच्छे तरीके से भून गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि इस पानी की मदद से जो हमने जब ये आलू डाला है वो आलू अच्छे तरीके से गल जाए, और हमारा जो कीमा है, कीमे में जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा ना हो, मीडियम रहे, ताकि खाने के लिए ईजी भी हो और टेस्टी भी, ठीक है। तो ये हम आलू डालने के बाद उसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे, बस अभी इस स्टेज पे हमको कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी हमको इसको ऐसे ही रहने देना है, अभी अच्छी तरीके से पक जाएगा, आलू भी गल जाएगा हमारा, तो हमको हमारा लास्ट में जो हमारा मेन मसाला होता है, मिक्स मसाला, गरम मसाला जिसको हम बोलते हैं, वो हम डालेंगे और हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बोला था आपको, थोड़ा सा वाटर मिलाना है इसमें। वाटर मिलाने से क्या हो रहा है कि हमारा जो आलू है वो भी गल जाएगा अच्छे से, और खाने के लिए जो ग्रेवी टाइप कीमा होता है, सूखा कीमा मतलब एकदम सूखा नहीं रहता है, थोड़ी सी उसमें ग्रेवी रहती है और कीमा दिखता भी है, देखिए
ऐसे। अभी ये पानी है इसमें थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये जब पकेगा तो पानी कम हो जाएगा और हमारा कीमा जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, नॉट वेरी ड्राई और नॉट वेरी प्लेन। ओके, अभी इस स्टेज पे हमको इसमें ऐड करना है हमारा गरम मसाला। सो फ्रेंड्स, ये देखिए गरम मसाला मैंने सिर्फ एक ही स्पून लिया, एक स्पून और आधा स्पून लेना है हमको हमारा गरम मसाला। गरम मसाला डालने से जो भी हम नॉन वेज फूड बनाते हैं उसमें उसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको ऐसे मिक्स कर लेना और इसको स्लो आंच पे, स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है पकने के लिए, जिससे हमारा जो आलू है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा और जो थिकनेस है हम जितनी थिकनेस चाहते हैं उतनी थिकनेस भी इसमें आ जाएगी, पानी का लेवल कम हो जाएगा। ओके, इसको कुकर में नहीं बनाना है, इसको ऐसे ही हमको भूनते हुए बनाना है, जिससे ज़्यादा भूनने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। कि वहाँ कुकर में बनाने से क्या होता है कि हम लोग कुकर में तो बना देंगे, कुकर में चढ़ा दिया, लेकिन वो जो वो अगर वो चीज़ भुनी नहीं, अच्छे से पकी नहीं है, ठीक है, तो फिर उसका टेस्ट भी नहीं आता है। ठीक है, तो अब इस स्टेज पे हमको हमारा फ्लेम स्लो कर देना है। स्लो करने के बाद में इसको ढक कर पकाना है 5 मिनट्स तक, उसमें उसके बाद हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं कीमा रेडी हुआ या नहीं। देखिए पूरा उसकी जो तरी होती है वो ऊपर आ चुकी है ना, ऑयल अच्छी तरीके से छोड़ दिया है कीमे ने, यानी कि हमारा कीमा रेडी हो चुका है। अब बस सिर्फ हमको चेक करना है कि उसमें जो आलू डाला था वो पका या नहीं। आलू अगर पक गया तो समझना पूरा कीमा अच्छे से रेडी हो गया। ओके, अभी थोड़ा सा और बाकी है। जो कभी भी चेक करना है ना हमको अगर आलू को, तो जो नाइफ होती है उसका जो शार्पन पॉइंट होता है वहाँ से निकलना, बैक साइड से उसको चेक करना है। ठीक है, तो बैक साइड से आप चेक करो, आप अगर अच्छे से चेक करना है तो उसको स्पून में ले लो, है ना, स्पून में लेने के बाद में हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखो ये अच्छी तरीके से जा रहा है, कट हो रहा है आलू, यानी कि हमारा कीमा पूरी तरीके से अच्छे से रेडी हो चुका है। ओके, और अब हमको देखो इसके अंदर जो इतना ऑयल है, पानी है, जो भी हमने डाला था, तो ये एकदम से ड्राई नहीं है। मैंने बोला था ड्राई नहीं रहना चाहिए, ठीक कीमा बनाना है, ठीक 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 है, ड्राई नहीं बनाना। तो ये ठीक है जिसको हम रोटी के साथ और खिचड़ी के साथ आराम से खा सकते इजीली। ओके, तो हमारा कीमा झटपट वाला और टेस्टी वाला कीमा रेडी हो चुका है, रेडी टू सर्व। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको बाउल में निकालते हैं, रेडी टू सर्व है, तो हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा कीमा, यह हमारा मज़ेदार कीमा रेडी टू सर्व है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा कीमा रेडी टू सर्व है, इसको आप रोटी के साथ या खिचड़ी के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी बना है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you everyone.